नमस्कार, मैं हूं नैत्री के केआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में बीजेपी ने एक पार्षद का उम्मीदवार बदल दिया है, जबकि करीब 50 घंटे की माथापच्ची के बाद होल्ड पर रखे 6 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए गए। वार्ड 20 से पूजा शर्मा, वार्ड 28 से किशन सूर्यवंशी, वार्ड 29 से राजेंद्र राठौड़, 46 से आसाराम शर्मा, 57 से सुरेंद्र बाड़िया और 66 से संतोष शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं वार्ड नंबर 49 से उम्मीदवार को बदलते हुए बाबूलाल यादव को टिकट मिला है। पहले बीजेपी ने यहां से सिद्धार्थ सोनवाले को कैंडिडेट बनाया था। लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में एक बार फिर सिर फुटबल की स्थिति बन गई है, क्योंकि पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान, पूर्व MIC मेंबर शंकर मकोरिया आदि के नाम काटे गए हैं, जो उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए थे। वे 18 जून तक अपना नॉमिनेशन जमा कर चुके हैं, अब पार्टी उन्हें बी फॉर्म दे देगी। इधर बलवीर यादव की पत्नी का 6 नवंबर से टिकट कटा है। भगवान दास सबनानी के खास से FB पर दिल का दर्द बयां किया है। अब दर्द हो रहा वायरल, भाजपा के पूर्व पार्षद बलवीर यादव की फेसबुक पोस्ट से समझिए। वही नामांकन पत्र की जांच में वार्ड कांग्रेस की वार्ड 29 में अधिकृत प्रत्याशी संतोष कंसाना और वार्ड 31 से राजसिंह रजनी का नामांकन निरस्त हुआ है। पूर्व MIC सदस्य भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष शंकर मकोरिया का फॉर्म वार्ड नंबर 33 से और 28 से जमा होने के कारण वार्ड 28 से निरस्त किया गया। भोपाल से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।